सदा परिभवग्नम विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रियजनों को अपनी वेद शिवम विष्णु बाकेट से आइए। आज बंधु सत्संग की चर्चा में मैं आप लोगों से उस बात को अवगत कराना चाहता हूं जिसकी रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं, जिसकी जय जयकार भी हम हर बार करते हैं, लेकिन जानते ही नहीं है कि वो है क्या। आप पूछोगे किसकी रक्षा की बात और किसकी जय जयकार करते हैं हम। तो बंधुओं, घर में जब कभी कोई पुरोहित जी या कोई पंडित जी आपसे पूजा कराने आते हैं तो हम पूजा कराने के बाद कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ये धर्म की जय हो, धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो धर्म क्या है जिसकी रक्षा करें? हम धर्म को जानेंगे नहीं, उसके लक्षणों को अपनाएंगे नहीं, तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? और जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, उसकी जय जयकार हम क्यों करते हैं बंधु? देखिए, दो बातें हैं। एक शब्द है उपासक और एक शब्द है बंधु धार्मिक। हम लोग उपासक हैं, धार्मिक नहीं। आप बोलोगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं शिवम जी? मैंने कही देखो, रावण क्या था? शिव जी की उपासना करता था, शिव जी की भक्ति करता था, लेकिन प्रभु श्री नारायण के चरण कमलों की ओर उसकी प्रीति गई नहीं है। हम भी तो यही करते हैं, उस देवता को पूज रहे हैं, उस मंदिर में रोज मिसरी चढ़ा रहे हैं, घंटी बजाकर आरती गा रहे हैं, लेकिन घर में जो साक्षात माता पिता है वो तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनकी पूजा वो नहीं हो रही है, लेकिन उस देव की हो रही है। रावण संतों का अपमान करता है, महादेव की पूजा कर रहा है। ये किसी धार्मिक व्यक्ति के लक्षण है? आप प्रभु की पूजा करोगे और वहां संतों का अनादर करोगे तो आपको क्या लगता है प्रभु आपसे खुश रहेंगे? आप उपासक तो हैं लेकिन आप धार्मिक नहीं बन सके। आप बोलोगे कि धार्मिक कैसे बनते हैं? तो बंधुओं देखो, धार्मिक बनने के लिए हमें धर्म के लक्षणों को अपनाना पड़ेगा, और धर्म के लक्षण पद्म पुराण में भी बताए गए हैं। आप अगर श्रवण करोगे ब्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते, इस धर्म के लक्षणों का वर्णन तो श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंध में भी आता है, सर्ग विसर्ग पोषण उति आदि के रूप में। और बंधुओं, विदुर जी महाराज ने भी धर्म के 8 अंगों का स्पर्श करके बताया है कि व्यक्ति को किस प्रकार इन लक्षणों को अपनाने से वो व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, बंधु मनुस्मृति में भी श्री मनु जी ने धर्म के लक्षणों की अद्भुत व्याख्या करी। मैं चाहता हूं कि आज आइए मनुस्मृति के उस अद्भुत श्लोक पर जो श्री मनु जी बता रहे हैं, एक व्यक्ति अगर इन लक्षणों को अपना ले तो वो धार्मिक बन जाता है। जो रावण बन नहीं सका, जो विदुर जी महाराज बन गए, जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे वीर बलवान या मैं कहूं ज्ञानी भी था लेकिन वो नहीं बन सके, लेकिन प्रहलाद जी बन गए बंधु। धर्म के लक्षणों को मनुस्मृति जी में श्री मनु जी ने वर्णन करके बताया है। कितना सुंदर श्लोक है, कि धृते क्षमा दमोस्तेयम् शौचम् इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम् धर्म लक्षणम्।
दस प्रकार के लक्षणों से अवगत करा रहे हैं, दस प्रकार के लक्षणों को बता रहे हैं कि व्यक्ति अगर इन लक्षणों को अपना ले तो वो उस पूंजी को पा सकता है जिस पूंजी को पाने के लिए आज संत, बड़े बड़े योगेंद्र, बड़े बड़े ज्ञानेंद्र, बड़े बड़े विद्वत जन आज भटक रहे हैं। और धर्म के वो लक्षण कौन कौन से हैं? बोले सबसे पहला धृति क्षमा दमोस्तेयम। धृति, धृति किसे कहते हैं? बोले धैर्य। व्यक्ति चाहे कितना ही बलवान हो जाए, कितनी किताबों को पढ़ करके वो ज्ञानी हो जाए, लेकिन अगर वो धैर्यवान नहीं है तो उसका ज्ञान कभी काम नहीं आएगा। बंधुओं से गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि ज्ञानी वही है जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो धैर्यवान है, जो श्रद्धावान है, वही ज्ञानी हो सकता है। तो धर्म के लक्षणों का पहला लक्षण धृति यानी धैर्य, और क्षमा, व्यक्ति के जीवन में क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को अपराध। आप अगर किसी को क्षमा कर रहे हैं तो बड़े आप हैं। और देखिए, बड़े छोटे की बात छोड़िए, क्षमा एक ऐसा बंधुओं शास्त्र है, या मैं कहूं शस्त्र है, जो हर कोई व्यक्ति ना अपना सकता है न किसी को दे सकता है। बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत लोग क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन क्षमा बहुत लोग नहीं हो पाते या कर पाते। मैं आप लोगों से कहूं कि धर्म के लक्षणों का अपनाने के लिए दूसरी बात जो मनु जी कह रहे हैं, वो व्यक्ति के जीवन में ये होना चाहिए कि वो औरन को क्षमा प्रदान करे। त्रिति क्षमा दमोस्तेयम, दम संयम सहनशीलता। आज परिस्थिति चाहे जैसी भी हो बंधुओं, मन स्थिति आप हमेशा बाबा विश्वनाथ जैसी रहो, प्रसन्न रहो, प्रफुल्लित रहो। त्रिति क्षमा दमोस्तेयम, दम यानी संयम, और अस्तेयम, व्यक्ति हर वो चीज पा सकता है अगर वो अपने जीवन में कभी चोरी न करे। अस्तेयम धर्म के लक्षणों का चौथा लक्षण और बड़ा ही प्यारा। आप चोरी अगर विद्या की कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, चोरी अगर धन की कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, चोरी संपत्ति शस्त्र या शास्त्र की कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अस्तेयम व्यक्ति के जीवन का चौथा लक्षण, एक धार्मिक व्यक्ति के लक्षणों में यह आता है कि वो चोरी कभी न करे। अगर वो चाहता है कि वो श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचे तो बंधुओं, धृति क्षमा दमोस्तेयम और शौचम इंद्रिय निग्रह। शौचम हमारे भीतर की पवित्रता, हमारे बाहर की पवित्रता बनी रहे। हम तो बंधु स्नान ही नहीं करते और करना भी नहीं चाहते। बहुत से घरों में पूजा पाठ को छोड़िए, घर के बच्चे स्नान नहीं करते हैं। और ये हमारी संस्कृति कहां जा रही है? शुद्धता जब हमारे शरीर की नहीं रहेगी, इस तन की नहीं रहेगी, तो मन की तो आप बात ही छोड़िए बंधुओं। तो धार्मिक व्यक्ति के लक्षणों की ये पांचवी लक्षण जो बताई जा रही है वो ये है कि हम शौचम यानी शुद्ध रहे, पवित्र रहे। मांस भक्षण तो दूर की बात होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, अपने पेज के माध्यम से, शिवम विष्णु पाठक के माध्यम से मैं बार बार ही तो कहता हूं कि अपने शरीर को अगर हम पवित्र रख रहे हैं तो हमारा मन जरूर पवित्र बनेगा। लेकिन बंधुओं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो गए मन, बात तो निश्चित। तो धार्मिक व्यक्तियों में पांचवा लक्षण क्या है? बोले शौचम, हमारे भीतर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता बनी रहे। इंद्रिय निग्रह, ये जो इंद्रिय है हमारी, ये जो आंख जो हमें दिखाती है, ये जो कान जो हमें सुनाती है, जो ये जो नाक ये जो हमें आहा क्या गंध है ये बताती है, ये रसना जिह्वा क्या बनाया है भोजन उसका स्वाद बताती है, चमड़ा कहां बैठे हैं, कैसी हवा चल रही है ये एहसास कराती है, हाथ सेवा करा लो या किसी के ऊपर उठा लो, चरण क्या तो प्रभु के लिए नृत्य में अपना लो, परिक्रमा में अपना लो, या महाराज इस चरणों से सदैव विवाह में ही नाचना है, प्रभु के भजनों पे नाचने का नाम ही नहीं है।
बंधुओं मुखारविंद हमारा ऐसी इंद्रिय है जो क्रोध के समय रुक नहीं पाती, पता नहीं है क्या बोल रही है, हमारे वश में नहीं है, और अगर वशीभूत है तो सदैव श्री राम और श्री कृष्ण ही निकलेगा। और दो मलमूत्र आदि के लिए इन इंद्रियों को हम सदैव श्री कृष्ण की ओर, श्री राम की ओर, धर्म की ओर, सनातन धर्म के पद चिन्हों की ओर रखें तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं। धृतिक्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, हमारी इंद्रियां सदैव धर्म में संलग्न रहे, सदैव धर्म से जुड़ी हुई रहे, सदैव उन पदार्थों से जुड़ी हुई रहे जो स्वीकार्य हो, किसके लिए, मेरे भगवान के लिए, सनातन धर्म के लिए। और धीर विद्या, धी यानी बुद्धि, और धीर विद्या हमारी बुद्धि उसी स्थान पर जाए जहां से हमें जो विद्या मिल रही है, तो वो विद्या कैसी हो, बोले धर्म से जुड़ी हुई विद्या होनी चाहिए, केवल विद्या नहीं। विद्या बंधुओं जरूरी नहीं है कि अच्छी भी हो, चोरों की विद्या उस प्रकार की होती है, डॉक्टरों की विद्या उस प्रकार की होती है, लेकिन धीर विद्या मनुष्य को क्या चाहिए कि अपनी बुद्धि का उपयोग उस स्थान पर करे जिस स्थान पर करने से उसका मन, उसकी चित्तवृत्ति, उसका तन, उसका जीवन कल्याण में बीते। जी हाँ बंधु, और ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम सोचे नहीं तो कुछ भी नहीं है, और सोचो तो धीर विद्या एक धार्मिक व्यक्ति के लक्षणों का ये बहुत अद्भुत लक्षण है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग तो करें, बुद्धिमान तो बने, लेकिन साथ साथ उस बुद्धि का उपयोग वहां करें जहां कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को हमारे द्वारा कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, किसी का भला हो जाए, हम उस प्रकार उस समय अपनी बुद्धि का उपयोग अगर लें तो यह हमारे लिए अद्भुत बात है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो सत्य, असत्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी ऊंचाइयों को नहीं पहुंच सकता। आप सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़े, हो सकता है बंधुओं, मगर जीत उसी की है, जीतेगा वही जो सत्य पर है, सत्य कभी पराजित हो नहीं सकता, सत्य बोलिएगा। धार्मिक व्यक्ति के लक्षणों का ये अद्भुत लक्षण है, नवा लक्षण। पर मक्रोधो अक्रोधो, क्रोधो मूल मनर्थानाम क्रोध संसार बंधनम, अगर आप क्रोध करते हैं तो वो सारे फसाद की जड़ है, आपकी गलती नहीं भी है तो भी आपकी दिखेगी। क्रोध संसार बंधनम, संसार के बंधनों का कारण ये, धर्म क्षय करह क्रोध, धर्म का क्षय कराता है क्रोध, तस्मात् क्रोधम विवर्जये, इसे त्यागिए आप बंधु। धार्मिक व्यक्ति के 10 लक्षणों में धृति क्षमा, धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी क्षमा देना, दमोस्तेयम दम यानी संयम रखना, अस्तेयम यानी चोरी कभी न करना, शौचम यानी भीतर बाहर की पवित्रता बनी रहे, इंद्रिय निग्रह इंद्रिय सदैव वहां लगे जहां धर्म हो, और बोले धीर विद्या, बोले हम बुद्धिमान तो बने और उस बुद्धि का उपयोग करें कहां, बोले जहां किसी का भला हो, जहां किसी का कदाचित इस प्रकार से भला हो कि क्या तो वो शास्त्रों से जुड़े, क्या हमारा मन शास्त्रों में सदैव रहे, ऐसी विद्या का हमें अध्ययन करना है बंधु, क्योंकि विद्या तदाति विनयम, अगर विद्या का अध्ययन करेंगे तो ही विनय को पा सकते हैं, तो ही विनयवान बन सकते हैं। और क्या है, बोले धीर विद्या सत्यम क्रोधो, सत्य बोलिएगा, सत्य बोलना चाहिए हमेशा, पर अक्रोधो, क्रोध बिल्कुल नहीं करेगा बंधु। कितनी अद्भुत भाव है, दशकम धर्म लक्षणम, मनु जी ने अपनी मनुस्मृति में इन भावों का स्पर्श किया। तो बंधुओं आज आप लोगों ने जाना कि धर्म कहते किसे हैं, या धर्म के लक्षणों को हम क्या कहें, इन 10 बातों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हो सकता है कि हम उस स्थान पर पहुंच जाए जिस स्थान पर रावण जैसा ज्ञानी भी नहीं पहुंच सका, जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप जैसा बलवान भी नहीं पहुंच सका, जिस स्थान पर कदली के वन में रहने वाले श्री विदुर जी पहुंच गए, सूरदास जी पहुंच गए। और मैं आशा करता हूं कि मेरे इन बातों को आप धैर्य पूर्वक श्रवण भी कर रहे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं।
मास्क का धारण करिए बंधु, सामाजिक दूरी बरकरार रखिए, अपना विशेष ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।